भी काम किए बिना बीड़ी भूख के बैठ जाओ। तुम भी तो भूख के, मुझे तो आदत पड़ गई है। हाँ तो मुझे भी आदत पड़ी है। इतना ज्यादा लेमन जूस वगैरह मत खाया करो, दांतों में कीड़े लगेंगे। लेकिन आप तो पान खाते हैं ना रोज। हाँ तू तो बड़ी चालाक निकली बिटिया। अच्छा आजकल इस तरफ दिखाई नहीं दे रहे शेजू, यूनियन लीडर बनने के बाद बहुत बिजी हो गए हो क्या? मेरा काम सिर्फ यहीं पर नहीं है। वो तो मैं जानता हूँ। चाय तो पी लो। क्या यूनियन है तुम लोगों की भी? कूप में ज्यादा मजदूर तो है नहीं और कोई नया आए तो उसे भी काम नहीं करने देते। आज बारिश बहुत तेज हो रही है ना? बारिश आए तूफान, हम कुछ लोग काम करेंगे, तुम यूनियन वाले टांग नड़ाए बस।
साले कुत्ते, तू ज्यादा होशियारी मत छाड़, मुझसे पंगा लिया ना तुझे जिंदा चला डालूंगा मैं, सुन लिया ना। आते हैं एक एक ड्राइवर की औलाद। की हुकूमत है वहां पर, पूरी कूप उसकी मुट्ठी में बंद है, उसे मैं ठीक कर दूंगा, बस एक मौके की तलाश है। आसानी से मात खाने वालों में से नहीं है वो। मिठू बेटा, तेरे लिए जोड़ी मैं जल्द ही लेकर आऊंगा, ठीक है? बताए भाई। हाँ, अपनी बेटी को खाना खिला दिया? अरे अभी तक तू यहीं पर है राजू, अभी तू निकलेगा तभी कल शाम तक कराई पहुंचेगा, चल जल्दी निकल। हाँ ठीक है जाता हूँ, फालतू में टाइम पास कर रहा, कराई में घूमना फिरना मत, जल्दी वापस आ जाना। जी अच्छी बात है। भूखना कब बंद करेगा? ये बंद नहीं होगा। मोती कहाँ है साईं? मैं भी डाल क्या? पर तूने तो छोड़ दी थी ना? छोड़ी थी पर अब छोड़ छोड़ के पी रहा हूँ। तो दे डालना। नौटंकी सा। हाँ शैजू, क्या बात है भाई, आजकल दिखाई नहीं देते। हाँ नहीं दिखेंगे, यहाँ अपने चमचों को ही लोड देते हो ना। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारा इशारा मोती की तरफ है तो वो अपनी काबिलियत से बहुत ज्यादा लोड उठा रहा है और साथ साथ थोड़ा ईमानदार भी है। तेरी तो तेरी ये मनमानी अब यहाँ नहीं चलेगी, अब कोई लोड देगा। ये सब होने वाली बात नहीं है बेटा, तू और तेरे साथी जितना लोड दो दिन में ले जाते हैं वो मोती एक ही दिन में कराई में पहुँचा देता है, अगर मैं यहाँ नहीं भी रहता हूँ। जरा ये रस्सी बात है, मेरी और मेरी यूनियन की बात नहीं मानी ना, तेरी चला नहीं दूंगा मैं।
ओए चल मजा आएगा। के दो लोड एक साथ चढ़ाने के बाद जब मैं अपने करुड़ सातवें हेयरपिन बेंड पर मोड़ता तब तेरी गाड़ी दूसरे तक भी नहीं पहुंचती और यही वजह है कि मैं तुझसे ज्यादा ट्रिप करता हूं। तो चाहे तो घास या यूकेलिप्टस चढ़ा के जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर। अब आइंदा कभी भी इस बहाने से इस पहाड़ पर मत चढ़ना, अगर आया तो वापस नहीं लौट पाएगा। मार खाने के लिए फालतू में ऊपर आए, हम लोग तो खुद ही तराई में आ रहे थे, है ना? चलता बन यहां से। तनों के भाव पता चले, बता दो उसके बाद ही तनों को काटना। हाँ कुछ खाया कि नहीं? तो चलो खाते हैं मासी। आओ एक पैकेट ले लो। अरे ये क्या है? स्टिकर। इसकी फोटो से मुझे डर लगता है। इतनी तकलीफ उठा के क्यों पी रहे हो? मेरा फेफड़ा छोटा भीम की तरह मजबूत होगा बड़े भैया, तभी मैं पी पाऊंगा। मजा आ रहा है। अस्पताल में बड़ा फूकेगा तब तुझे भी मजा आएगा। चल चाय पी के रिटर्न। പുട്ടും കടലേ അത് ശരി, വണ്ടിക്കാടൊക്കെ എന്നും കാലി ചായയും കട്ടൻ പിടി കൊള്ളാം. പൊലച്ചക്കല്ല നീ രണ്ടു കുട്ടി കേറ്റിയത്? അതൊക്കെ പൊലച്ചക്കല്ല, അതൊക്കെ പൊകഞ്ഞു പോയി. ഇഡലി ബനാനേ അന്ന മന്ദാ ഹോട്ടി സബ് ടീക്ക് ശങ്കർ ഭായി ദേഖ ലേ कुछ भी हो मताई सेठ को मानना पड़ेगा, उधार उधार लेके भी कूप चला रहे हैं वो। एक बात कहूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही वो यहाँ टिके हुए। ये कौन सा मस्कार शंकर भाई? चुप रहना। ए, जाके देखो लोड उतरा के नहीं। ठीक अब गिलास चाटना बंद करना। अच्छा ऐसी बेस्वाद फीकी चाय कौन पिएगा? अच्छा बेटा कल आना फिर बताता हूँ, चाय को फीकी बोलता है। ये पायरा सा बदलना नहीं है शंकर भाई, पिछली बार तूने मदद की तब जाकर इतना कर पाया था। इस बार मानसून से पहले ही ये सब बदल दो, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो शंकर भाई। अरे हाँ कल क्या हुआ था? सुना है शैजू की धुलाई कर दी। बस उसे अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा था। उसका नशा उतर गया होगा। अरे दे ना, शर्मा क्या रही है, चल बैठ। लो भाई 20 है ना। पैसा निकाल, पैसा निकाल। ये लो पैसा। ₹5 ₹5 में बेलों में लटक के पहुंचा ऊपर। अरे बाकी बाद में दे। हट जा सामने से, हम जाके चढ़े। ₹5 में इसे गोदी पकड़ के चढ़ाओ भी। और भी कोई मदद
मांगी हो तो प्रसाद के लिए पैसा दे सकते हो। मोती आ गया। मोती भाई, ये सब देवी माँ पे तेरे नाम से प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तेरा प्रसाद मैं चढ़ाऊंगा बेटा, सबके पैसे वापस लौटा दे। जी भैया, मैंने पहले ही कहा था कि मोती भाई को ऐसा पसंद नहीं है। जबरदस्ती पैसे देके मुझे बुरा बनाते हो। लो एकरा भी दे, लो ओकरा भी दे। ओके लो, ये उसे पकड़ा दो। लो हमारे पाँच रूपए देके उछल रही है। कहा मेरे पास जो पाँच था वो भी गया। अब ले फोकट में सफर के मजे। मजे लेवे खातिर का बेंच काट रहा। तेरी शक्ल पे बेंच काट रहा। चल ये 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 चल बड़ा भाई। मुझे बात करने आ रहा हूँ। दिया जा, मैं भी आ गया। पिछले जन्म में हम चमगादड़ रहे होंगे। चढ़ लो, पकड़ो इसे, पकड़ गया आराम से। नहीं आगे मोती को बैठने के लिए जगह मिली कि नहीं? अच्छा खोपड़ी पे जाके की वजह से तुझे छोड़ दिया, नहीं तो तनों के साथ तुझे भेज देते। अरे हमारे पाँच रुपया वापस देवे के पड़ी ओकरा बदला ले रहा है बाका। कालिया अरे वाह, तू तो महारानी एलिजाबेथ है ना। कालिया बोल, सही बोलती है। चलो भाई। करेक्ट टाइम पर कपड़े सुखाने के बहाने तुम्हारा इंतजार करती है भाई। मुस्कुरा देती तो खुश हो जाती बेचारी। तुझे और कोई काम नहीं है क्या? वो कितनी छोटी लड़की है। अब इतनी छोटी भी नहीं है। हाँ और क्या, घर को अपनी पिंजरे में बंद करूंगी मैं। शुक्र ये आखिरी रोड है, इसे खत्म करके दो दो पैर लगाते हैं। बिल्कुल हो जाए। लो आ गई हमारी मंजिल। अरे वाह, घर तो महल की तरह है। मारो भाई ब्रेक। आज का युद्ध समाप्त। लेकिन अभी पार्टी के लिए क्या करोगे माँ? अरे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जरा भाई की मेहरबानी हो जाए तो मजा आ जाए। मोदी भाई आज शाम को कुछ आने से पहले जो लगाया वो काफी है। आज काफी काम हो गया, बहुत पसीने आ रहे हैं। किसे? तुझे? नहीं नहीं, कूप में हाथी को। अच्छा हाथी को, तू भी तो हमारे ऊपर एक हाथी जैसा ही बोझ है। क्यों मोदी भाई? मोदी बुलाता है तो जैसे उसे कितनी बार कहा है मैंने, उसे मोदी मत बुलाओ। उसे मैंने ऊंचे दर्जे का नाम दिया है, छत्रपति, उसी नाम से उसे बुलाया करो। मेरी तरफ देखो, यहाँ किसकी तस्वीरें हैं बता है? वहां पे किसकी है? देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले धीरों की है, धीरों की है। क्या देख रहा है? ये सब लोग अंदर मौजूद हैं? जरूर है, इस दिल के अंदर है। इन सब की तरह एक बड़ा इज्जतदार नाम ही मैंने अपने नाती को दिया है, उसे इसी नाम से बुलाया करो। ठीक है वायसराय साहब। क्यों वायसराय? कौन मैं? नहीं ये हम दोनों ही। या अल्लाह ये तो बहुत ही खतरनाक है। बेटी इंदिरा चाय नमकीन? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चलेगा। सुनो मेरे बच्चों, बाबूजी के सामने तुम उसे मोती मत बुलाना, ठीक है? कौन है ये बाबूजी? मतलब मोती भाई के इकलौते नाना जी, यानी कि वायसराय साहब। मताई भाई साहब के यहाँ काम कर रहे हैं ना दोनों? मोती बता रहा था। ठीक है माँ जी। हाँ तो तुम दोनों चाय पी लो। ये मोती भाई गाड़ी से उतरते नहीं क्या? अबे तू नहीं समझेगा, अगर इसे अपने बाप की तरफ से कुछ मिला है तो ये वीडू आओ गिरडन भाग्यो का अभिमान कुंडो। अरे नम्बर मुत्तु कार्ति नम्बर कार्ति आ रेसर अदे इवे अनियन अम्मा वो है ये घर और ये गरुड़। वो मोती भाई से इतना गुस्सा क्यों है? इनके घर के बुजुर्गों में आपस की कोई लड़ाई थी हा? तो उसकी माँ ने उसे इतनी चाबी दी, इतनी चाबी दी कि उसे मोती के नाम से भी नफरत हो गई। अरे बचपन में उसके कंधे से उतरता नहीं था वो, लेकिन अब वो सब किसे याद है? लगता है भूख के मामले में कुछ गलत होने वाला है।
हफ्ते पहले की थी, फिर भी पैसे देने नहीं आए मथाई। वो कुक का काम कुछ बंद हो गया था और जो पैसा आना था वो भी नहीं आया। मैं पहुंचा दूंगा, देर नहीं करूंगा। समय पर पहुंचाने की बात हुई थी ना हमारी? हाँ ये बात तो सही है कार्तिक, फिर भी तारीख को लेकर इस बार मैं चूक गया। एक काम करो, मुझे जो देना है उसे रहने दो, तुम्हें कितना चाहिए ये बताओ। वो यहाँ के टीक वुड कूप और अपने कॉन्ट्रैक्ट की रकम वगैरह सब कुछ मिला जुला कर। और हाँ, तराई में पहुंचाए गए तनों के हिसाब मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें जितने में परवड़ेगा उतना बोल दो मथाई भाई, ऊपर नीचे होगा तो देख लेंगे। वो सब तेरा साइड में, ये नहीं हो सकता है जॉनी। माना कि मैंने तुम लोगों से पैसे लिए हैं, हाँ ये सही है कि देर हो गई लेकिन लौटा दूंगा। ऐसे में मेरी कूप की कीमत मत लगा। तो ठीक है, कल सुबह 10 बजे पैसे मेरे टेबल पर होने चाहिए। क्या मान रहा है मथाई भाई? पैसे लौटाने में एक हफ्ते की देरी क्या हो गई? ये लोग कूप जब्त करने आ गए। मैंने आपसे पहले ही कहा था ऐसा फिजूल का लेन देन मत किया कर। अरे मैं तो बस, अगर तुमसे मताई भाई ने पैसे उधार लिए देगा सू अंग तिरिच देरू ഈ ഒരാഴ്ചത്തെ താമസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാടാവേ, പിന്നെ നീ അതിനും ചേർത്ത് പലിശ വസൂൽ കർണേ വാല സുബാകെ 10 ബജനെ കെ ലിയേ അബി ഭീ വഖ്ത് ബാക്കി ഹൈ അബ് തു ജായ യഹാ സേ തു ബിനാ വജഹ ദഖല അദാസി കർ റഹാ ഹൈ അപ്നെ സാഥ് ഘൂംനേ വാല കോയി മാമൂലി ജോക്കർ മത് സമജ്നാ മുജെ യേ സൗദാ കൈസേ നിപ്റ്റാനാ ഹൈ മൈ അച്ഛി തരഹ ജാൻതാ ഹൂം സറൂറത് പഡേ തോ തുജ് സമേത് യേ ജോ കൂപ് ഹൈ നാ ഉസേ തോഡ് മറോഡ് കേ പകഡ് ദൂംഗാ മൈ അരെ തു ക്യാ തോഡേഗാ जब 60 फुट का टीक वुड का तना अपनी पीठ पर चढ़ाया था तब नहीं टूटी थी इस मोती के रीढ़ की हड्डी। तू तो हल्का सा सहजन का पेड़ है मेरे भाई। आज कार्तिक कूप का भाव पूछ रहा था, आखिर से कौन सी बीमारी है? मेरा यहाँ होना है उसकी समस्या है, मुझसे बदला लेने के बहाने वो किसी तरह कूप हड़पना चाहता है और पेड़ों को मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चलिए कौन दारू में दूध मिला के पीना तुम्ही ने इजाद किया है भाई। सीने के नीचे बाई ओर मार पड़नी चाहिए, सीने के नीचे बाई ओर मार पड़नी चाहिए तभी खून की उल्टी करेगा। ए मोती, चंदन का तना बड़ा सख्त होता है, हड्डी दही डाल दो उसके बाद काटना। गाड़ी में क्या? चंदन की कुछ कच्ची लकड़ियां हैं। चंदन उधर पीछे। सर गाड़ी में चंदन है। कौन है पूछो? नाम क्या है तुम्हारा? नोहा। सोहा है। जाने दो। ओए,
इस रेंज में तुम अभी नए आए हो ना? रात को इस जंगल में इस तरह ठंड से कांपते खड़े रहोगे तो हमेशा एक नाम ध्यान में रखना, नोआ। जल्दी से कुछ पैसे बनाने हैं। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो नहीं करूंगा पर जल्दी से पैसे बनाकर मौज करना है मुझे। हम पानी की तरह। कौन है वो? ऐसे ही है एक आदमी, पहले पेट्रोल पंप में नौकरी करता था और अब आज करोड़ों अरबोंपति। मैं पेट्रोल पंप पे काम नहीं करूंगा। पाइप पकड़ के कौन खड़ा रहेगा? देर हो जाएगी, मुझे फटाफट पैसे चाहिए अपने कटप्पा की तरह। बाहुबली का कटप्पा? मैं इस जंगली महिष्मती साम्राज्य का गुलाम हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं भी, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं जल्दी से करोड़पति बन जाऊं। मेरी भी। मुझे एक आइडिया आ रहा है दारू की। अच्छा, 300 रुपए लगा के 3000 रुपए कमाऊंगा। वाकई ज्यादा मुनाफा लेने की बदनामी भी नहीं है, लागत तो सिर्फ 300 रुपए है। तो फिर आज ही शुरू करेंगे? आज? हाँ, ओके ओके। तो दोनों मालिक लोग धंधा शुरू कर दो। अरे मोती भाई, कल से कुछ दिनों के लिए मैं और शुक्र कूप में काम के लिए नहीं आएंगे। वो कैसे? अरे बोलो ना भाई। वैसे जमानत के लिए 3 महीने तो लगे चले थे। क्या कहा, हमें पुलिस पकड़ेगी, हमें टच भी नहीं कर सकती। കഴിച്ചാർന്നോ? അച്ഛൻ നേരത്തെ കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നു. അമ്മയോ? ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം, നീ കഴിക്കേ. അതിനെ പിന്നെ ആക്കണ്ട, അമ്മ ഇരിക്കും. പതിവ് കുപ്പ കിട്ടാത്തോണ്ടേ മൂത്താപ്പ നിന്നെ ഇവിടെ കിടന്ന് ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തും കുച്ച് ഭീ ദിൽ പേ നഹീ ലേതേ ഹോ, അപ്നെ മാമലേ മേ ബഹുത് ലാപർവാഹ ഹോ തും. देखो ये बात तुम मत भूलना कि मेरी भी उम्र हो रही है, आखिर कब तक मैं ही तुम्हारे लिए खाना बनाती रहूंगी? आज सालन में तीखा थोड़ा कम है इंदिरा देवी जी। अपने स्वाद के हिसाब से चाहिए तो जाकर किसी लड़की को ब्याह कर ले आ मोती। लाता हूँ लाता हूँ। मैं जो भी कहती हूँ तेरे लिए मजाक है। मैं लाऊंगा माँ। अरे सुन, कोप के पास रहने वाली कोई लड़की तुझे पसंद करती है ऐसा मेरे सुनने में आया। फोटो देख ली मैंने, सुंदर लड़की है, तुम दोनों जचोगे। www.24lab.xyz तुम्हें और कोई काम नहीं है, खाना खा के जल्दी से सोने की कोशिश करो इंदिरा देवी जी। मोती भाई, दारू का धंधा हमारे बस की बात नहीं है, उसके लिए मार खाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक सोडा खरीदोगे मोती भाई? बैठ जाओ बैठ जाओ, जल्दी 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 अंदर घुसना। तो ए वासु, करुण आज हड़ताल पे है। अरे बस कब आएगी? शुक्र जरा पैडल को दबाना। पैडल? वो कौन सी बला है पैडल? ए सुकुर, पैडल जरा दबाना। कहाँ है पैडल? किस
से पूछ के गाड़ी में बैठी। मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद कर दूं। अच्छा, मतलब गाड़ी पसंद है? गाड़ी ला। अरे मोदी भाई, सेकंड गियर भी डाल लो। सारे गियर एक साथ डाल लो मोदी भाई। मोती, उस रेंजर का फोन आया, कूप के पेपर्स लेकर ऑफिस में बुलाया है। हफ्ता दे रहे हो ना? हाँ, अरे वो सब सही वक्त पर पहुंच जाता है, ये कुछ और ही है। कुछ नहीं, रेंजर गणेश को और पैसों की जरूरत आ पड़ी होगी, इसलिए बुलाया। जो भी हो तुम भी आ जाओ। हाँ आ जाओ। मेरे बच्चे ने चूहा पकड़ने के लिए जाल रखा था साहब, उसमें वो कबर बिज्जू आकर फंस गया। कबर बिज्जू? किसे बेवकूफ बना रहे रे तुम? तेरी कहानी को मैं मान लू? ठीक है, आखिर आ ही गए ना तू गणेश के पास, अब सब मैं देख लूंगा। वैसे नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आप जो रुपए मांग रहे हैं वो मैं कहाँ से लाऊंगी साहब? मेरे बच्चे को कुछ मत करना साहब। तेरे बेटे के साथ आखिर मैं क्या करूंगा? समझ गए ना? नमस्ते सर। लंगी नीचे करके जा रहे? ऐसे कर रहा है? मेरी ड्राइवर है, जरा रॉब तो देखो इसका। सची आ गए बेवक्त। बा जाओ, तू जा, वेट करो मैं बुलाता हूं। डॉक्यूमेंट्स तो लाया ना? इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऐसे बहुत सारे पेड़ है जो काटे गए, जो नीलामी में शामिल नहीं थे। आखिर बात क्या है? तनु की चोरी कर रहे हो? आप ये क्या बोल रहे हैं सर, बिना नीलामी के एक भी पेड़ हमने नहीं काटा है, ये जानबूझकर किसी ने? इल्जाम लगा तो बिना इंक्वायरी के हम रह नहीं सकते मताई। आप ये समझ लेना, इसीलिए अब तुम लोग कुछ दिन आराम करो। इंक्वायरी पूरी हो। अरे नहीं सर जी, बहुत तकलीफ हो जाएगी, कूप का काम रुक जाए तो मैं तकलीफ में आ जाऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे साथ कुछ मजदूर भी हैं। ऐसे मजदूरों को कुछ दिन घर बैठने दो। अच्छा साहब, कूप का काम रुके बिना भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं? तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। बात चाहे जो भी हो, मैं फुर्सत में आकर आपसे मिलता हूँ। कितने बार कहना पड़ेगा, समझते कि नहीं? से एक लफ्ज भी निकाला ना तो पूरे कूप को खाली कर दूंगा, समझ गए ना? जी अधिकार। गणेश अब तो किसके कहने पर ये काम करना इतना अच्छी तरह जानता हूं। इस मताई भाई के कूप नीलामी में लेने से बहुत पहले से मोती इस जंगल में राज करता था। जब मैं मजबूत चंदन की लकड़ी अपने गरुड़ में लाद कर चेकपोस्ट पर लेकर आता था तो तू अपनी टोपी उतार कर दौड़कर फाटक खोलने आता था, वो इस मोती के नाम के डर की वजह से। अब मोती यहाँ है ये जानकर भी तूने ये डील पकड़ ली है गणेश, तुझे पल भर के लिए भी डर नहीं लगा? तो
लोगों से तुझे इतनी चिढ़ क्यों है बता मुझे। ईमानदारी से अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करते हो। मंजिल चाहे जितनी भी दूर क्यों ना हो, धूप छांव बारिश तूफान की परवाह किए बगैर स्टीयरिंग पकड़ते हैं। ये हमारे लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये हमारा जज्बा है। जैसे ड्राइवर के मनोबल का पता लगा पाना तेरे बस की बात नहीं। फिर से मुझसे पंगा लेने की कोशिश की ना तो पुर्जा पुर्जा अलग कर दूंगा। ये जरूर उस कार्तिक का काम है ना? मैं इन लोगों को जितना अपना समझ के छोड़ देता हूँ उतना ही मेरा जीना मुश्किल कर देते हैं। इनकी अकल ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। मोदी भाई बहुत चीटिंग कर रहा है वो कमीना। कौन? वो ठीक है, नट्टा खरीद के वजन में हेरा फेरी कर रहा है साला, इसीलिए गुरु ने तुम्हें बुलाया है। उसी का काम है, हमारा रिएक्शन जानने के लिए कर रहे हैं। जो भी हो कुछ दिन तक बुलेट अवॉइड कर रहे हैं। इस तरह डरेंगे तो जीतेंगे कैसे? गणेश तो चूहा बन गया है, मोती वो खुद को जंगल का राजा समझता है। मोती उसका अंत मेरे हाथों से होगा। करूंगा सोचा था मैंने, फिर भी पूरे वजन की लकड़ी पहुंचे। फिर ये बदलाव क्यों है सेठ? जो वजन कहा गया था ठीक उसी वजन का माल तो तुमने दे दिया, लेकिन जितनी बार भी दोबारा वजन करता हूं वो कम होते जाता है। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं?
विश्वास ही नुहा का हसूल है। पैसा, पैसा ही इस सेठ का हसूल है। सैकड़ों लकड़ियों में से एक एक लकड़ी चुनकर अच्छा माल दिया था तुम्हें। बड़े जोखिम उठाए थे उसके लिए मैंने। उसका पैसा तुम्हें लेकर बेशक पैसा ले जाओ, लेकिन वजन के हिसाब से पूरे वजन का। उसके लिए नोहा यहां से बाहर जाना चाहिए ना। तेरा धंधा हमेशा के लिए बंद करने के इरादे से ही तुझे यहां बुलाकर बिठाया है। इस सेठ का फैसला है कि आज के बाद चंदन के पेड़ सिर्फ और सिर्फ ये सेठ ही काटेगा। पैसों के ऊपर कोई भी परिंदा नहीं उड़ता है नोहा। उड़ने वाली नस्ल है सेठ जंगल में है, परिंदों से भी ऊंची नस्ल गिद्ध। उसकी उड़ान पैसों के ऊपर नहीं होती, लाशों के ऊपर होती है।
टोनी को देखकर तेरी हवा टाइट हो गई है। चार साल पहले ये तोहफा मुझे तूने दिया था। कार्तिक, टोनी ने तुझे मारने का कोई प्लान बनाया है? उसने हरा दिया मुझे। आज मैं वो सेठ ठिकाने लगा कर ही छोड़ूंगा। उस दिन जब मेरे पैरों के ऊपर से तूने अपनी गाड़ी चढ़ाई, तब मैंने खो दिया अपने सारे सपनों को, गाड़ी को, रेस को, ट्रैक को भी। जब खड़ा भी नहीं हो सकता था ऐसी हालत में, पड़ा रहता था बस, तब मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तू ही बसता था। बड़े प्यार के साथ, हाँ बड़े प्यार के साथ। तू जानता है क्यों? खून करने के लिए, उसी के लिए आया हूं मैं। लेकिन अभी नहीं, मारने से पहले एक बार ट्रैक में तुझे हराना चाहता हूं मैं। उसके बाद तेरी तस्वीर पे हाथ चढ़ा कर ही ये टोनी वापस लौटेगा। अपने बाप से बोल देना कि तेरे लिए कफन और अगरबत्ती तैयार रखे। यू आर फिनिश्ड। ये इसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ क्या? मुझसे अलग किए हुए तो काफी दिन हो गए। मैं अकेला ही हूं ना। आपकी मदद के लिए मैं तो कल ही आने की सोच रहा था, लेकिन वो केलों के पौधे लगाने थे ना, इसलिए नहीं आ पाया। तुमको नहीं लगाना चाहिए था। तो फिर राम प्रकाश जी को लगाना चाहिए। वो तो मेरा बाप है ना। 25-30 साल पहले। समझ गया, कुछ तो फायदा होता। और एक बात, कल मैं कूप में नहीं आऊंगा, एक दिन का आराम तो चाहिए ना मुझे, प्लीज। जानता हूं कल मैं ड्रेस देखने के लिए जाने वाला है ना। तुमको पता चल गया तो तुम भी चलो ना। वैसे भी कल कूप में कुछ खास काम तो है नहीं। मैं नहीं आऊंगा। ये देखो, सारी टॉप की टीमें भाग ले रही है इसमें। ये देखो, जबरदस्त मुकाबला होगा, वो भी हमारे टॉप में। ये देखो, और अपना कार्तिक भी इसमें भाग ले रहे। जिंदगी और मौत की बाजी लगेगी। तो माना ना मोती भाई, अपने बच्चे का प्रदर्शन तो देखें। आओगे ना? कल है ना, देखते हैं। तो चलोगे? ये होगी ना बात। मतलब धोनी वापस आ गया। वो मुझसे बदला लेने आया है, कॉलेज का हिसाब चुकता करने। वो कुछ नहीं उखाड़ेगा, कार्तिक की ताकत के बारे में वो जानता नहीं है। अपने लौंडों को भेज के ठीक करने की समस्या ही है और कुछ नहीं। नहीं, ये किस्सा हम खुद ही खत्म करेंगे। लगता है अगली रेस में हमसे टकराने के लिए वो भी रहेगा। बिल्कुल रहेगा, उसके लायक वो एक गाड़ी भी मॉडिफाई करके लाया है। तो क्या इसे भी मॉडिफाई करना पड़ेगा हमको? इसने आज तक हमें कभी हराया है? इससे भी बड़ी बड़ी रेसेस में इसी के जरिए हमने जीत हासिल की है। टोनी को हराने के लिए भी यही बहुत है। आने दो सर। पिछले कुछ दिनों से कलेक्शन कुछ कम है टोनी। कॉलेज में पहले की तरह काम नहीं हो रहा है, पुलिस की निगरानी बहुत सख्त है। कॉलेज नहीं तो इस माल को स्कूलों में पहुंचा दो। आदमी औरत के भेदभाव के बगैर सबको एंजॉय करने दो।
अपने प्रॉब्लम्स को लेकर दोबारा यहां मत आना। अच्छा टोनी चलेगा। अब मेरी परेशानी का जड़ सिर्फ एक ही है, कार्तिक। हमें देखकर उसे अपनी छठी का दूध याद आ गया होगा, लेकिन हमें उसे वहीं पे खत्म कर देना चाहिए था। वहीं पे उसे चीर के रख सकता था मैं, लेकिन नहीं। इससे पहले के ट्रैक के मुकाबले में जीत हासिल करने वाला वो था, और इस जीत के श्रेय के साथ उसे मरना नहीं है, उसे हारना होगा, उस बोझ के साथ मरना होगा। उसी के शहर में होने वाली इस रेस में उसको हराना होगा, नाक कटवानी होगी उसकी। लेकिन आजकल वो बहुत ही ज्यादा फॉर्म में है, हर ट्रैक में नंबर वन। ये मुझे मालूम है, एक बार टोनी को हराने के बाद वो ट्रैक का बादशाह बन गया। 3.2 लीटर इंजन, आरसीबी एक्सल, कॉइल ओवर सस्पेंशन, लामड़ा लोकस, कट रिंग्स, ये सब के साथ अपने स्पाइडर पर इतना सब खर्च करके पंजाब से बाहर लाया हूं तो सिर्फ उसी के लिए। वो और उसकी गाड़ी मेरे स्पाइडर का कुछ नहीं उखाड़। उसके बाद वहां के कीचड़ में ही मैं उसे दफना दूंगा। हमारे शहर की शान बढ़ाने वाला ऑफ रोड रेस का लुत्फ उठाने के लिए आए हुए तमाम लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखने वालों की दिल की धड़कनें तेज करके आप सबको रोमांच करी बनाने लाए साहसिक और खतरनाक रेस शुरू होती है। www.filmy4lakh.xyz खाना बचाना है ना, चर्बी है। सुनो, जब बाढ़ का पानी घर में घुसा तो बिना खाने पीने के फंस जाओ, तब ऐसे निकम्मे ही आते हैं तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए। ताकतवर युवाओं को बचाने के Thank you.
कमाल की निकली। कमाल कर रही है। मोती भाई क्यों नहीं आ रहे? उन्हें पसंद नहीं। जब ये चौथी क्लास में था ना तब ये अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट का लाइसेंस ले लिया था इसने। ये बच्चों की रेस देखने में थोड़ी ना आएगा। 5:30 और बंदे भड़कते हुए शोरों के साथ के ट्रैक में मॉडिफाइड गाड़ी के साथ बहुत उखाड़ लिया है इसने। क्या मतलब? पर और प्रैक्टिस की जरूरत। लड़कियां भी थी, वैसे तो बढ़िया चला रही थी लेकिन लड़कों के आगे कहाँ टिकेंगे। काबिलियत में लड़का लड़की में क्या फर्क? गाड़ी थोड़ी अच्छी होती तो चूड़ियों वाले हाथ में कप होता। अर्जुन के धनुष से निकले तीर की तरह, जेम्स बॉन्ड के पिस्टल से निकली बुलेट की तरह अपने कॉम्पिटिटर्स को मार देने आ रहा है। Just
बहुत उछल रहे थे तुम, है ना? चल इस ट्रैक से इतने दिनों तक मुझे अलग करके रखा था तूने, तुझे मार के इसी कीचड़ में गाड़ दूंगा, गाड़ दूंगा। अगला मुकाबला तेरा आखिरी ट्रैक है, वहां ऊपर जाने का। कार्तिक, टोनी को हराना तेरे अकेले की बस की बात नहीं है। ऐसा कर, घर से भी लाकर ड्राइव कर। लेकिन वो दोनों इस रेस में तो काम में नहीं आएंगे, है कि नहीं? से पंगा ले रहा Yeah.
अगर हिम्मत है तो अगली रेस में जीत कर दिखा, तो फिनिशिंग लाइन तक भी नहीं पहुंचेगा। साले ने बर्बाद कर दिया मुझे, उसे लात मारी है मेरे सीने पे। मोती उसका बड़ा भाई है। उसके भाई की अगले स्टेट लेवल रेस में हमारे उतरने से पहले उसे तेरे सामने पटक के रखूंगा मैं। मुझे वो चाहिए मुझे। अभी जाओ उसे पकड़ो, अभी इसे बात चाहिए मुझे। शुक्र, फाइट शुरू होते ही तो किस तरफ भागा, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर? तू तो नजर ही नहीं आया वहाँ। फाइट शुरू करने से पहले मैं 2 किलोमीटर वार्म अप के लिए दौड़ता। अच्छा, लेकिन आज इसके लिए मौका नहीं मिला। हाँ तो वहीं डटा रहता ना, टोनी तो अच्छे से पुरजे हिलाता तेरे सारे। इंदिरा देवी जी, जरा बाहर तशरीफ लाएंगी, आपसे कोई मिलने के लिए आया। कौन है? अरे ये सब यहीं रखो, आके देखो तो। बेटे कार्तिक, रोटी रहे हो मेरे बच्चे? साइकिल। मोती इसे साइकिल पर बिठाकर घुमाना। देख, छोटे भाई का रोना बड़े भाई के लिए बदनामी होती है। कार्तिक अभी यहाँ नहीं आएगा माँ। अब वो शहर के स्कूल कॉलेज में पढ़ के बड़ा आदमी बन के लौटेगा। कम से कम अब तो आ गया। तू दोनों बारिश में भीग के आए हो क्या? उसे अपने हाथ पे छोड़, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाऊंगा। तुम सब बैठो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। दाना जी, वो तो सो रहे हो। अरे उन्हें मत जगाना, वाइस रॉय को तो सोने ही दो। और बाकी का माहौल कैसा चल रहा है? क्या वैसे इस तरह के खुशी के मौके पर कुछ माहौल तो बनता है ना भाई? अरे समझे नहीं क्या? मैं बताता हूँ, 10 साल बाद जब विदेश से लौट आता है राम प्रकाश, और जब बचपन से बिछड़ा हुआ कुमार भाई घर लौटता है, तो एक माहौल बनता है ना। बस बस। अरे भाई ऐसे माहौल में गिनता कौन है?
आज तो धमाल मचाएंगे। जल्दी आ जाना। ए, चाय पी के जाना। नहीं नहीं, चाय पीने के लिए रुक गया तो वो अंश बंद होने का माहौल हो जाएगा। ओके, देखा माहौल कैसे बना। दुनिया में जो करे कसाला वो खाएंगे मटन मसाला। आज तो मजेदार मसाला बनाना, खूब तीखा मसाला बनाकर अच्छी तरह से उस पर लपेटना पड़ेगा भाई। देखते ही मुंह में पानी आ जाना चाहिए। आज मैं मटन की टांग में लटक कर झूला झूलूंगा। झूलो झूलो। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया के साथ बैठकर ही मैंने पहली बार स्टीयरिंग पकड़ा था, वो भी इसी करोड़ पर, इसी घर के आंगन में। इसी आंगन में? कार्तिक, घर से बहुत बढ़िया जिमिकन लाया हूँ। अच्छा देखो, अपना साई वापस आ गया, आज धमाल मचेगी। अपनी रेस की स्पीड दारू पीने में मत दिखाना। एक बात कहूँ मैं, इस साई ने कभी दारू पी के ना तो आज तक किसी को गाली दी और ना ही किसी को बुरा भला कहा, और ना ही कूप के बाहर किसी से मार खाया। बिल्कुल शुक्र के बच्चे। मैं मजाक कर रहा था, ये ले पकड़, ले पी। उस टोनी नाम के बंदे को तुझसे क्या दुश्मनी है? मैं देख रहा हूँ वो हाथ धोके तुम्हारे पीछे पड़ा है, आखिर बात क्या है? इंजीनियरिंग कॉलेज में हम एक साथ थे। कार्तिक, मैं और जो दिल्ली वाला टोनी। अरे इतना भी मत सोच यार, चल ना आगे जा। ये साला कई दिनों से सबके सामने अपना रोप दिखा रहा है। कहाँ गए थे ब्रो? हमारा कुछ प्रोग्राम पेंडिंग है। बहुत शाइनिंग मार रहा है साला। टोनी, तुझे चैलेंज मार रहा है वो। चल रहे हैं, टोनी से टक्कर लेने के लायक नहीं है बंदा। हाँ लेकिन उसका परफॉर्मेंस अच्छा था। अब बेकार में वक्त जाया मत करो, प्रोजेक्ट कम्प्लीट करना है। वो हम कर लेंगे यार, प्रेजेंटेशन की डेट करीब आ गई है। ब्रो तेरी एंट्री देख के उन लोग की सॉलिड फटी हुई है। टोनी के बराबर यहाँ और कोई नहीं चाहिए। अरे टोनी, में हमारा भी एक गैंग बन गया। उसके बाद हमेशा टोनी के साथ टकराव होने लगा। ठीक उसी वक्त हम एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहे थे, ज्यादातर वक्त हम उस प्रोजेक्ट में लगाने लगे। वो प्रोजेक्ट हमारे लिए खास था क्योंकि नेशनल लेवल सेमिनार के लिए वो एक प्रेजेंटेशन था। उसका पूरा काम हमने सही ढंग से करके रखा था। यार कुछ भी बोलो टोनी, रेस में उसका प्रदर्शन देख के ना पूरे कॉलेज में आग लग गई है और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब उनका ये प्रोजेक्ट भी सक्सेस हो गया समझो। उसके बाद देख लेना, साले उन्हीं का राज होगा यहाँ पे। एक बात कहूँ, अगर वो इस रेस में भी जीत गया ना टोनी,
तो तू दूसरा कॉलेज ढूंढ लेना। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसे यहीं खत्म करना होगा। टोनी यहीं पर रहेगा राजा की तरह। लेकिन अगले रेस में अगर वो जीत गया तो? वो नहीं जीतेगा, या तो सिर्फ टोनी ही जीतेगा। ना उनका कोई प्रोजेक्ट हारेगा, ना ही वो लोग हारेंगे। और फिर इस टोनी को छोटा दिखा के वो कार्तिक यहां नहीं रह सकता। जैसा कहा उसने वैसा ही किया। बहुत दिनों से हम वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। प्रेजेंटेशन के एक दिन पहले उस कमीने टोनी ने उसे बर्बाद कर दिया। वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती थी। और तुम लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। उसको तो जान से मार देना चाहिए था ना। मारने ही वाला था, लेकिन इस जॉनी ने मुझे रोक दिया। बदला लेने के लिए हम अच्छे मौके का इंतजार कर रहे थे। मतलब टोनी ने तुम लोगों को धो डाला। इसके सर से बैंडेज निकलने से पहले कॉलेज रेस की तारीख तय हो गई। उस रेस में मैंने उसे हरा दिया। उस पर हासिल करने वाली मेरी पहली जीत। पर भी जी नहीं भरा इसलिए इसने टोनी के बल पर जीता। हमने जब आखिरी बार उसे देखा तब दर्द के मारे वो चीख रहा था। मतलब तुम उसका पैर तोड़ के ही यहां आए थे। अब बेवजह उसके मुंह मत लगो। अगले महीने भी एक रेस है ना, उसे पूरा हो जाने दो। उसके बाद उसका क्या करना है मैं देख लूंगा। We'll be right back.
सांप को गला गीला करने का कार्यक्रम ही बंद कर देना। कोई बात नहीं, कार्तिक को जिताना हम सब की जिम्मेदारी है ना। ओ अच्छा, तो मतलब रेस खत्म होने तक हम लोग उपवास रखेंगे? नहीं नहीं, उपवास तो नहीं रखेंगे। ये ऐसी रेस है जहाँ देश भर से रेसर्स आते हैं, चाहे कोई भी जीते लेकिन धोनी हमसे आगे निकल गया तो हमें चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा। हाँ ये बात तो है, भाई के भरोसे पर ही हम मैदान में उतर रहे हैं। लो नजीब का फोन। हाँ नजीब बोल। हाँ कार्तिक, मैंने सारा सामान तैयार करवा दिया है, कल तुम वहीं पर जाके पिकअप कर लेना। हाँ लोकेशन शेयर करना। ओके अभी भेजता हूँ। कल जाकर स्पेयर पार्ट्स लेने हैं। शुक्र को भी अपने साथ ले जा, मुकाबले के लिए बस 3 दिन बचे हैं। मैं नहीं चाहता तब तक तुम किसी लफड़े में पड़ो। औरों की तरह अपनी गाड़ी को बस एक मशीन नहीं समझना चाहिए। अगर तुम अपनी गाड़ी को अपने परिवार का हिस्सा मानोगे तो तुम इसे जो कहोगे ये तुम्हें करके दिखाएंगे। कार्तिक भाई, मैं जरा खूब किया था। हाँ राजीव जी। ए जब्बर। हाँ अंदर जाओ। स्पेयर पार्ट्स लेने आया तो यहां ऐसी एक सरप्राइज की उम्मीद नहीं थी, है ना? टोनी की किस्मत बुलंद है। और सुन, तेरी और तेरी गाड़ी की स्टॉपर इस गैराज में हम खींचने वाले हैं। दोनों के लिए मिला के एक खड्डा टोनी ने यहां पर खोदा है। अगली रेस में तू हिस्सा नहीं लेगा, ये मेरा वादा है टोनी से। उस खड्डे को और 1.5 फुट गहरा कर दो, अगर हम उसमें जाएंगे तो तुझे भी साथ ले जाएंगे। यार के टांग पर जब तूने गाड़ी चढ़ाई तो ये तेरे साथ भी हो सकता है, ऐसी उम्मीद नहीं थी ना। ये टोने की विरासत है, तेरा लकड़ी वाला जंगली भाई ने
कोई भी तुरंखा राजा कुछ नहीं कर सकता। करने के लिए जिसने सुपारी ली वो तेरा भाई है ना, उसे जाकर कहना कि डबल बैरल गन लिए यहाँ उसका बाप मौजूद है, फिर भी खड़े खड़े उसने अपना अंडरवियर गीला नहीं किया ना, तो बोलना कि पैगाम देने वाला नोमा है। अपने सिर पर चंदन की लकड़ियों के बोझ की वजह से लड़खड़ाते पैरों से जंगल से मैं जब भी बाहर निकलता था रोकने आया करते थे तेरे जैसे जंगली सुअरों के झुंड, कई बार खत्म किया है उन्हें। मेरे बच्चों पर कोई खतरा आ जाए तो मां कसम मैं बोलता नहीं, खून पी जाता हूँ। अबे छोटे, गुरु से लड़ने के लिए एक अलग हैसियत चाहिए, अपनी औकात तो देख फिर आना लड़ने। मिल गया, पाँव में मार पड़ी है, दाएं में या बाएं में। बाएं पैर में। हाँ कार्तिक, मैंने सारा सामान तैयार करवा दिया है, कल तुम वहीं पर जाके पिकअप कर लेना। आज के बाद किसी को दगा मत देना। साथ देने वाले हर एक को इस तरह खून में डुबा कर लिटा देंगे। हमारे बनाए हुए जाल में वो नहीं फंसा, लेकिन तू फिक्र मत कर, उसकी टांग पर ही वार किया तूने, गाड़ी दी गई। अगले स्टेट लेवल रेस में वो भाग नहीं ले पाएगा, हम रेस करेंगे, उसमें जीतने के बाद उसे और उसके भाई को खत्म कर देंगे। उसके बाद ही यहां से जाएगा टोनी। नहीं चाहिए।
स्टिकर है, इसकी फोटो से मुझे डर लगता है। इतनी तकलीफ खाते क्यों पी रहे? मेरा फटवा छोटा भीम की तरह मजबूत होना पड़े भैया, कभी मैं पी पाऊंगा मजा आ रहा है। शुक्र कुमार ने, इससे अगर सब खत्म होता तो होने दो। ये वहां रखो तो एक भी मिर्च नहीं बचेगी। कौओं ने नाक में दम कर रखा है, पूरे 200 मिर्ची थी। अब मैं उन्हें नहीं खाने दूंगी। शैतान कौओं को भगाने के लिए ये पुराना सा आईना भी चलेगा। काले बादलों के ऊपर उड़ने वाले करोड़ों के बारे में बेचारा कौआ क्या जानता है? तू रेस में होगा। गाड़ी मैं चलाऊंगा, साथ तू रहेगा।
निपटा के आ जाए। तब वो नहीं आ सकता है, क्लच दबाने के लिए बाएं पैर की जरूरत होती है। एक्सीडेंट नहीं होता ब्रिज,
आओ तो ठीक है।
बॉयस। कमान 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 www.filmy4rap.xyz
सर।